दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपको बताने के जा रहा हूँ जावित्री के बारे में, और ये सब चीज़ें हमारे मसाले में ही होती है। गरम मसालों में बहुत सी चीज़ें डाली जाती है, जैसे सौंठ है, लौंग है, काली मिर्च है, जायफल है, जावित्री है, ऐसी चीज़ें मिलाकर, जीरा है, ऐसी चीज़ें मिलाकर सब्जी के लिए बनाया जाता है मसाला। उसी के अंदर जो डलती है जावित्री, और ये जावित्री क्या होती है, एक प्रकार से यूं कहा जाए तो ये मानिए कि ये जायफल की बहन होती है। जायफल का जो फल होता है, उस फल के ऊपर, फल जब पकता है तो उसके अंदर बीज होता है जिसको जायफल बोलते हैं। तो फल और जायफल दोनों के बीच में, यानी जायफल के ऊपर से यूं जाली लगी होती है और बहुत सुंदर होती है वो जाली, तो उसी को ही जावित्री बोलते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जायफल, जावित्री और दालचीनी ये एक ही पौधे की संतान है। जावित्री है, ये जायफल के ऊपर जाली होती है, और जो जायफल है ये बीज होता है, और जो दालचीनी होती है, ये दालचीनी जो है ये उस पौधे का छाल होती है। और ये तीनों बहुत काम की चीज़ है, मैंने बारी बारी से बताया भी है। आज मैं जावित्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। आम हम मसालों में खाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता, हर टाइम हमारे घर पे ये चीज़ पड़ी रहती है, फिर भी हमें इसके बारे में गुण का पता नहीं है कि कितना गुण है। इसको अकेले से अगर हम खाएँ या किसी के साथ में मिला के खाया जाए या नित्य रोजाना खाया जाए तो हमारे लिए कितनी फायदेमंद है। तो दोस्तों मैं हूँ रवि गिरी और आप देख रहे हैं मेरा रवि गिरी बाबा का चैनल। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी विनती है आपसे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देंगे। तो दोस्तों चलते हैं जावित्री की तरफ। आपको बताने जा रहा हूँ कि जावित्री किस किस काम आती है, क्या क्या हमारे शरीर में फायदा कर सकती है। जावित्री किडनी रोग में बहुत ही लाभकारी है, हमारी किडनी को बहुत स्ट्रोंग करती है, क्योंकि इसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट होती है। ये एंटी ऑक्सीडेंट होने के कारण ये हमारी किडनी के अंदर कोई भी इंफेक्शन है उस इंफेक्शन को दूर कर देती है। पथरी है, पथरी को भी धीरे धीरे ये गला के बाहर निकाल देती है, गुर्दे को एकदम तरोताजा बना देती है। दूसरा, अनिद्रा का रोग जिसको होता है, यानी रात को नींद नहीं आती, दिन में भी सोए तो नींद नहीं आती, एक घंटा डेढ़ घंटा नींद आने के बाद में वो करवटें बदलता रहता है, पूरी रात गुजर जाती है, नींद नहीं आती, आप जावित्री को लेना शुरू कर दीजिए। मैं आपको खुराक भी बताऊँगा, कैसे लेना ये भी बताऊंगा। आप जावित्री लेना शुरू कर दीजिए और देखिए आपको कुछ ही दिनों के अंदर इतनी मीठी नींद आएगी कि आप पूरी रात सोए पड़े रहोगे। पाचन तंत्र में बहुत काम करती है जावित्री, पाचन तंत्र में बहुत, इसीलिए तो हम मसाले के अंदर इसको डालते हैं कि हमारा पाचन तंत्र है ये बिल्कुल सही रहे, गैस नहीं बनने देगी। कईयों का खाना खाने के बाद में पेट फूल जाता है, पेट नहीं फूलने देगी, एसिडिटी नहीं बनने देगी, कब्ज नहीं होने देगी, और हमारे रक्त के लिए भी बहुत अच्छी है, रक्त शोधन है, ये एक प्रकार से रक्त शोधन का काम करने वाली है, और खून को एकदम सही रखेगी, खून का संचार सही रखेगी, एकदम से खून को साफ कर देगी। हमारी कई लोगों को भूख की कमी हो जाती है, भूख नहीं लगती, जिसे डॉक्टर लोग लॉस ऑफ एपिटाइट कहते हैं, तो भूख की कमी को भी ये दूर कर देती है। कुछ ही दिनों के अंदर टूट के गजब की भूख लगेगी, हम रूखा सूखा भी खाएंगे तो भी फुल खा लेंगे। ये स्किन में ग्लो लाती है, एकदम से चमक लेके आ जाती है कुछ दिन खाने के बाद में, और इसको स्किन पे लगाया भी जाएगा तो भी ये बहुत ज़्यादा काम करती है।
और स्किन को एकदम से झुर्रियाँ हैं, पिंपल्स हैं, इन सब चीज़ों को, यहाँ तक कि कई बार तो ज़्यादा काफ़ी टाइम लंबे लगाओगे तो ये मानिए कि ये रिंकल्स को भी दूर करेगी, पिंपल्स को तो कर ही करेगी, रिंकल्स को भी दूर करेगी। गठिया बाई के अंदर बहुत कामयाब चीज़ है ये, आप कभी भी देख लेना, गठिया बाई के अंदर बहुत ही काम करती है, धीरे धीरे गठिया बाई को ख़त्म कर देती है, उसका दर्द है, सूजन है, जोड़ों का जकड़न है, इन सब को गठिया बाई के अंदर दूर कर देती है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है, एंटीबैक्टीरियल होने के कारण ये बहुत से काम करती है, बहुत से रोगों को ख़त्म कर देती है, एंटीबैक्टीरियल गुण होता है इसके अंदर, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है, सूजन वगैरह नहीं आने देगी। तो अब इसको लेना कैसे है ये भी देखना है कि हमें कैसे लेना है। दोस्तों इसको जायफल की तरह ही 3 चुटकी लेना है, मात्र 3 चुटकी दूध के साथ में आप लीजिए, रात को सोते वक्त लीजिए, सुबह खाना खाने से पहले जब हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद में आप ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद में इसको आराम से ले सकते हैं, लेकिन भूखे पेट नहीं लेना है, बिल्कुल भूखा पेट हो नहीं लेना है। अब लेना किसे नहीं है, गर्भवती महिलाएं हैं उसको जावित्री सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, और जो धात्री महिलाएं हैं, जो बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं बहनें हैं, उनको भी ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये गर्म तासीर होने के कारण ये दूध को सुखा देती है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और लेना कितना है ये बता दिया कि 3 चुटकी आपको लेना है, सुबह शाम लेओ चाहे एक टाइम लेओ। और आपको अगर पिंपल्स वगैरह पे लगाना है, चमड़ी पे लगाना है, चमड़ी के दाग धब्बे दूर करने हैं, तो आप इसको दूध में मिलाकर, दूध में पेस्ट बनाकर और रात को लगा के सो जाइए, सुबह उठ के मुँह धो लीजिए और देखिए कि कुछ ही दिनों में, 5-7 दिनों में कितना ग्लो आता है इसका। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताना, और जाते जाते एक लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।